हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है चंडीगढ़ वाले घर से। सो अभी हम जा रहे हैं घूमने और आज का आगे का ब्लॉग होगा गाड़ी में। चलते हैं आगे। सूरज भी चढ़दा ते शम्मा नू ए टड़दा, किन्ना चिर परखेंगी कौन तेरे हाल दा। उसी वाली टुट जे जे तंग बिलो माड़ी है, शक्का विच रंग जे उमर फिर सारी है। गाइज, अभी हम आ चुके हैं अपनी गाड़ी में और अभी सचिन खा रहा कुलचे। और हमने अभी नई गाड़ी ली थी, मतलब वैसे सोचा कि थोड़ा घूम फिर लेते हैं क्योंकि हमें भी गाड़ी अच्छी तरह चलानी नहीं आती, इसलिए हम आज घूमने आए हैं कि कितनी चलती है हमसे। तो अभी आपको बाहर से गाड़ी दिखाते हैं। गाड़ी वैसे होंडा अमेज है। तो बाहर से अपनी गाड़ी कुछ ऐसे है। अभी इसमें अंदर सचिन बैठ रखा है, तो अभी आपको अंदर से दिखाएंगे। उसके बाद चंडीगढ़ का नंबर है और बाकी यहाँ पे गाड़ी में बैठने का पहला रूल है कि सबसे पहले अपनी सीट एडजस्ट कर लो। बाकी यहाँ पे आपके डोर लॉक वगैरह और शीशा वगैरह के सेट करने का है, ये बाहर वाले भी और ये इधर वाले भी। और ये इसका मीटर कुछ ऐसा है। यहाँ पे डीजल है और इसमें स्क्रीन ऐसी वाली है, बैक कैमरा है इसमें। बाकी इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है, USB लगी हुई है। बाकी बैठने में कम्फर्टेबल है सचिन? कम्फर्टेबल है ना। बाकी पीछे भी पूरा खुला है, एकदम कंफर्टेबल है। इसका ब्लूटूथ पड़ा हुआ है यहाँ पे सचिन का, ये देखो पूरी कंफर्टेबल है। बाकी सदान गाड़ी है तो डिक्की बहुत खुली है इसमें, तो मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी ये मिरर है पीछे से ऑपरेट करने के लिए, पीछे देखने के लिए। बाकी ये साइड मिरर है, ये भी बटन से खुलते हैं ऑटोमेटिक। बाकी इसका हॉर्न है ऐसी। बाकी आपको दिखाते हैं, रोड पे दिखाएंगे अभी आपको चलाते टाइम। बाकी अंदर से गाड़ी का ऐसा कुछ सीम है, गियर सिस्टम है। यहाँ पे कप होल्डर हैं, दो ग्लास आ सकते हैं। यहाँ पे आप मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे USB का है और यहाँ पे भी एक और USB लग जाती है। ये यहाँ पे कोई पर्चा पड़ा है, यहाँ पे सामान रखने के लिए कागज़ वगैरह है। यहाँ पर सिर्फ कंट्रोल वगैरह है थोड़ा बहुत। बाकी पीछे दिखाता हूँ, पीछे का सीन ऐसे है। यहाँ पे एक वो है कप रखने का, यहाँ पे कप रखने के लिए अब दो ग्लास आराम से आ सकते हैं। यहाँ पे सामान रखने के लिए और साइडों में ये सी है बस। मार्केट सेक्टर 42 की लेक में, तो गाड़ी मैंने पीछे पार्क कर रखी है, अभी आगे चल के देखते हैं। और ऐसे ही आ रखे हम तो घूमने के लिए। वैसे हम गाड़ी लेके आए थे, मेन मकसद तो यही था गाड़ी चलाने का, बाकी आगे चल के देखते हैं। और ये है सेक्टर 42 की लेक, मतलब यहाँ पानी भरा होता है जितना भी सूखा है, बट अब कम ही भरते हैं यहाँ पे पानी, क्योंकि यहाँ के बच्चे हैं कुछ आसपास के गंद मचा देते हैं, इसलिए भरते नहीं है। छठ पूजा के टाइम पर भरते हैं वैसे पानी, पूजा वगैरह के लिए जो बिहारियों की होती है खासकर, हाँ छठ पूजा। बाकी उधर साइड है, उधर पूरी हरियाली होती है, उधर लेके चलते हैं। उस साइड मेन पार्क है। अभी हम भी सीढ़ियों से उतर रहे हैं क्योंकि पहले यहाँ पानी होता, अब तो पानी है नहीं, इसलिए हम भी यहाँ से निकल रहे हैं शॉर्टकट से। बाकी आपको आगे चल के दिखाते हैं। ये रहा पूरा सूखा है, ये तो यहाँ पानी में डूबे होते हैं। पड़ता है एक नाला, उसमें गंदा पानी आता है चंडीगढ़ का पता नहीं कहाँ का। अरे एक छोटा सा पुल, और ये पुल है। यहाँ पर फ़ोन बाहर निकाल के चलना रिस्की है, नीचे जाएगा तो सीधे पानी में जाता है। बाकी बढ़िया है पार्क एकदम। और ये पार्क वैसे लवबर्ड पार्क है, यहाँ ज़्यादातर कपल्स ही रहते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पुलिस वाले से कोई सीन नहीं पड़ता, घूमते रहते हैं बंदे। ये है यहाँ का पार्क और इधर साइड है गर्ल्स कॉलेज। और यहाँ पर मतलब बढ़िया सजा रखा होता है, सब सेट है, पेड़ पुड़ काट कूट रखे होते हैं पूरे डिज़ाइन वगैरह। बाकी आगे व्हाइट हाउस है, वहाँ आपको दिखाएंगे, वहाँ रेस्टोरेंट टाइप का छोटा सा। बाकी देखते हैं, आज तो कोई दिख नहीं रहा खास। हाँ दिखाएंगे खाएंगे कुछ नहीं, पैसे हैं नहीं। वैसे हम यहाँ पे घूमने इसलिए आए हैं 42 में क्योंकि चंडीगढ़ में तो नेट, सॉरी पंजाब में तो नेट चल नहीं रहा, और हम हैं एकदम पंजाब बॉर्डर पर, तो वहाँ नेट नहीं चल रहा, आपको पता ही होगा। तो हम आए हैं चंडीगढ़ क्योंकि यहाँ पर नेट चल रहा है, तो पता नहीं कब तक नहीं चलेगा वहाँ पे। तब तक हमने सोचा कि एक गेड़ा मार के आते चंडीगढ़ का, नेट चला के आते थोड़ी देर।
फिर चलते हैं आगे, घूम रहे हैं पार्क में बस। तो ये आगे सामने व्हाइट हाउस, यहाँ पे भी मतलब पेड़ ही हैं फ्लावर वगैरह के और डिजाइनिंग वाले, और रेस्टोरेंट है यहाँ पे, दिखाते हैं अंदर से। आगे व्हाइट हाउस, यहाँ लगी रहती है हरियाली एकदम रौनक। और ये रेस्टोरेंट, अंदर जाके देखते हैं। चल वो ले ले, माजा ले ले। होने की वजह से हमने लिया एक माजा, माजा पी लो गाइस। ये है व्हाइट हाउस, कुछ मतलब ऐसी है, डिजाइनदार बना रखा कुछ कुछ तो है मतलब। ये रहा गर्ल्स कॉलेज, और ये रहा सचिन, और ये रहा व्हाइट हाउस 42 के पार्क का। उस साइड है मेन रोड 43 बस स्टैंड वाली, और इस साइड बीच में नाला, और पल्ली साइड है लेक। हम अपनी गाड़ी में वापस आ चुके हैं। पार्क में कुछ नहीं था, धूप हो रही थी बस, बोरिंग हो रहा था, इसलिए हम वापस आ गए। अब देखते हैं कहाँ जाते हैं, घर जाएंगे या फिर चंडीगढ़ जाते हैं, देखते हैं। देखना मैं कैसे चलाता हूँ गाड़ी, ठीक है, मेन रोड पे। गाइस हमें गाड़ी चलानी आ गई, हम गाड़ी चलाना सीख गए। जिंदगी सररर मोटर गाड़ी मा, जिंदगी सररर मोटर गाड़ी मा, देखनेले देखी जान्छ, बुझनेले बुझी जान्छ, भेटनेले भेटी जान्छ नि, देखनेले देखी जान्छ, बुझनेले बुझी जान्छ, भेटनेले भेटी जान्छ नि। जिंदगी सररर मोटर गाड़ी मा, जिंदगी सररर। भाई जैसे हम घर पहुंचे और यहाँ बारिश लग गई, देखो खतरनाक, और हमने गाड़ी भी टका दी, दिखा तो आपको अच्छे से। जैसे हम घर पहुंचे यहाँ बारिश लग गई, शुक्र हमने गाड़ी टका दी, देखो खतरनाक मौसम हो रहा है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, तो बताना कि ब्लॉग कैसा लगा और मैं गाड़ी कैसे चलाता हूँ। नंबर दे देना मेरे को, 10 में से कितने नंबर दे सकते हो गाड़ी चलाने के, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो शेयर करना।